हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग घर पर बटर पेपर कैसे बना के तैयार कर सकते हैं, इसकी हम वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। आप इसको किसी भी बेकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक A4 साइज़ की शीट है। आपको इस तरीके से कोई सी भी आप शीट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर A4 साइज़ की शीट ली है। इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैन के साइज़ का बटर पेपर चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से फोल्ड करके एक सीज़र की हेल्प से मैं इसको सर्कल कट कर लूँगी। इससे आप पहले बड़ा सर्कल कट कीजिएगा, अगर आपका पैन में फिट नहीं होता तो आप छोटा इसको और भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा सर्कल तो फिट हो गया है। अगर आपका फिट नहीं हो रहा हो तो आप इसको सीज़र की हेल्प से और छोटा भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इस पर हल्का हल्का करके ऑयल लगाएंगे अच्छे से। आप यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ घी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके अच्छे से पूरे पेपर पर हम अच्छे से इसको कवर कर देंगे, ताकि जब हम इसमें कुछ भी बेक करें तो हमारा पेपर उस पर चिपके नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से पूरा बटर पेपर पे ऑयल लगा दिया है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। ये इसका बेसिक स्टेप है और बहुत मेन स्टेप है कि हम जिस तरफ बटर पेपर पे ऑयल लगाते हैं हम उसको हमेशा पलट देंगे। और हमने अब इस तरीके से पूरे पैन पे भी हमने इस पर ऑयल लगा दिया है। अब आपको इसके अंदर जो भी बेक करना है वो बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केक बेक करने जा रही थी। बेक करने के बाद देखिए मेरा कितना इजीली केक निकल गया है। और अब मैं आपको बटर पेपर निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी इजीली रिमूव हो गया है ये बटर पेपर। और ये देख सकते हैं आप, मेरा केक कितने अच्छे से तैयार हुआ है, कितना अच्छा इसकी फिनिशिंग आई है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।